नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार मौर्य, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बहुत काफ़ी दिन हो गया जो है कि हम अपने टैंकों का अपडेट आप लोगों को नहीं दे पाए। इसके लिए बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज और कुछ यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे हैं कि आपके पंगासेस का साइज कितना हुआ है और जो है कि कैसा चल रहा है कल्चर उसका। तो आजकल मैं थोड़ा जो है कि दौड़ पर ज़्यादा हूँ, इधर उधर जो काम हो रहे हैं उन पर जो है कि काम हो रहा है, तो इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सोचा आज जो है कि सुबह आप लोगों को अपडेट इसका दे देते हैं कि हमारे पंगासेस का साइज कितना हुआ है और कैसा जो है कि कल्चर हमारा चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है कि यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो फीड में एफसीओ मिला के देते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि क्या सच में एफसीओ मिला के दिया जाता है प्रोबायोटिक का जो है कि एफसीओ बना के। जैसा कि ये एक वीडियो हमने जो है कि पिछले साल बनाई थी एफसीओ के लिए, तो उसका लिंक मैं इधर आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि एफसीओ कैसे बनाया जाता है। तो कुछ लोग जो है कि पूछ भी रहे थे कि एक जो है कि ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ पर एफसीओ बता रहे थे कि जो है कि आधा किलो प्रोबायोटिक और जो है कि 2 किलो गुड़ और 20 लीटर पानी में। तो भैया, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरह से ना करिए। एफसीओ जो है कि बहुत मामूली प्रोबायोटिक से बनता है, उसका वीडियो जो है कि आई बटन में इधर मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप वॉच कर लीजिए कि एफसीओ कैसे बनता है। आधा किलो प्रोबायोटिक आप जो है कि 20 लीटर पानी में डालेंगे तो आपका जो है कि एफसीओ क्या बनेगा वो तो आपको, और आपको क्या बचेगा उस कल्चर में वो आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। 50 ग्राम प्रोबायोटिक जो है कि 20 लीटर पानी में इनफ होता है, उतने में ही आपका एफसीओ बहुत फर्स्ट क्लास बन के तैयार होता है, ठीक है। तो प्रोबायोटिक का आप ध्यान रखें, जो कोई बोलता है कि हमारा आधा किलो डालिए, तो आप जो है कि सजग रहिए ऐसे लोगों से, और प्रोबायोटिक के लिए आप कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। मेरी तो कोई फैक्ट्री है नहीं भाई, ना ही मेरी कोई जो है कि उसकी एजेंसी ली हुई है, ना तो जो है कि कोई मेरे घर की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगा कि प्रोबायोटिक के लिए आप सावधान रहें, प्रोबायोटिक आप अच्छा ही यूज करें, ठीक है, जो कि रिस्पांसिबल है प्रोडक्ट, उसी को यूज करें। और दोस्तों, आगे आपको चलिए दिखाते हैं कि एफसीओ से कैसे फीड को फर्मेंटेट करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस हम करके दिखाएंगे। हालांकि मैं जो है कि फीड को एक बार में ही फर्मेंटेट कर लेता हूँ सुबह, और वो शाम तक चलता है। तो चलिए, इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को आगे, उसका जो है कि 1 किलो फीड लेके उसमें फर्मेंटेट करके उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उसके बाद फीडिंग इसमें करा के दिखा देते हैं कि हमारे मछलियों का साइज क्या हुआ है, और लगभग 3.5 महीने का कल्चर हुआ है। 14 मई का स्टॉकिंग है, आप लोग जो है कि उसका वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो अब चलिए जो है कि आपको फीड पहले फर्मेंटेशन दिखा देते हैं, उसके बाद में आपको फीडिंग करा के भी दिखा देते हैं। दोस्तों, ये हमारा फीड है, ठीक है, ये हमारा फीड है, और इसमें जो है कि विटामिन सी का पाउडर जो है कि हमने अलग से ले रखा है इसमें, और ये हमारा एफसीओ है, ये हमारा एफसीओ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एफसीओ जो है कि हम हमेशा डाल के खिलाते हैं। तो अब इसको खोलते हैं, और कुछ लोगों का ये भी शंका रहता है कि एफसीओ जो है कि डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है फीड में, तो इसलिए मैं जो है कि आप लोगों के सामने इसको डालकर दिखा रहा हूँ कि नहीं, फीड में एफसीओ मिला के खिलाते हैं, ठीक है। तो इसमें गैस बनती है, जैसा कि आवाज़ आई खुलने पे। तो ये हमारा लगभग 1 किलो फीड है, तो इसमें जो है कि 100 ग्राम के आसपास एफसीओ जो है कि डाला जा रहा है, और इसका कलर आप देख रहे होंगे, कलर पूरा एकदम जो है कि बढ़िया से ब्राउन कलर हो जाता है। जैसे कि आप पहले जब इसको बनाएंगे एफसीओ को, तो इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन जब इसको आप फर्मेंटेड करेंगे बोतल में बंद करके, तब इसका कलर जो है कि पूरा एकदम ब्राउनेस हो जाता है, एकदम हल्का ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो इस पाउडर था, इसलिए इसको हम हिला रहे हैं, और हिलाने के बाद बाकी का जो हमें यूज करना है वो हमने सादा वाटर लिया है, यहाँ पे सादा पानी जो पीने वाला होता है, और इसको जो है कि जितना हमें ज़रूरत है उतना पानी मिला के डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो अब इसको जो है कि अब छोड़ देंगे, करीब 1 घंटे के आसपास इसको छोड़ देंगे, और बढ़िया से फर्मेंटेड हो जाएगा।
उसके बाद इसको फीडिंग कराएंगे। ठीक है, ये तो हम जो है कि इकट्ठा ही जो है कि दिन भर के लिए बना लेते हैं लगभग, और इसको खुले में छोड़ देते हैं। आप इसको बना करके अगर दिन भर के लिए बनाना चाहते हैं तो इसको खुले में छोड़ें और फैला कर छोड़ें, नहीं तो ये जो इसमें सड़न पैदा हो जाती है तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, दिन भर के लिए बना रहे हैं तो इसको जो है कि फैला कर खुले में रखें। और मेरा बना रहता है, ये सैंपल के लिए हम आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं एक किलो फीड में, ये इस तरह से बनाया जाता है। और इधर जो है कि ग्रीन नेट हमने लगवा दिए हैं, ऊपर आप देख रहे होंगे कि कचरा जमा हुआ है ग्रीन नेट पे, जो पत्ती वगैरह आती है, तो इससे जो है कि हमारा टैंक में जो कचरा वगैरह जाता है उससे बचाव रहता है। और बहुत जो है कि क्वेरी आ रही थी, हालांकि मैं वीडियो ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, और कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि जब वो शुरू में जब अपना टैंक का जो है कि वाटर प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ जो है कि महीना डेढ़ महीना तक उनके टैंकों में झाग बहुत ज़्यादा बनता है। तो झाग बनता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, एक एक लोग फ़ोन करके पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी वीडियो में ऐड कर दिया जाए। तो झाग देखिए बनता है, ठीक है, झाग फर्मेंटेशन होता है ना, तो झाग बनता है, तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। ये आपका करीब दो महीना, डेढ़ महीना से दो महीना के बीच में आपका जो है कि स्टेबल हो जाएगा, और इस तरह से हल्के फुल्के ये जो है कि पानी में जो है कि जो ऑक्सीजन के बबल होते हैं वही बनते हैं, बाकी झाग वगैरह नहीं बनते हैं। और इसमें प्रोबायोटिक का भी रोल रहता है। देखिए हर जगह बायोफ्लाक यदि आपको सक्सेस करना है तो प्रोबायोटिक का बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो प्रोबायोटिक आपका जैसा होगा आपका कल्चर भी वैसा ही होगा। प्रोबायोटिक भी ख़राब आते हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोबायोटिक हैं, बहुत सारे ख़राब प्रोबायोटिक हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक का ध्यान रखें। और भाई जिसका जो है, देखिए जिसका प्रोडक्ट है वो थोड़ी ख़राब बोलेगा अपने प्रोडक्ट को, तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि प्रोडक्ट जो है कि अपने से आप जो है कि सर्च करके अच्छा, जो जिसका रिव्यू अच्छा आ रहा है, जिसका रेटिंग अच्छा है, उस चीज़ को आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब इधर जो है कि साइड से भी अभी ग्रीन नेट लगाने बाकी हैं, लेकिन जो है कि लगे नहीं, अभी लग जाएंगे, ग्रीन नेट पड़ा हुआ है, आके लगाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, तो लग जाएंगे। और ये जो है कि इस पर इतना कचरा आके जम रहा है ना, जब ये पेड़ पौधे हैं तो बहुत पत्ते वगैरह गिरते हैं तो इसमें जाके सड़ते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने जो है कि यहाँ पे ग्रीन नेट जो है कि लगवाया है। पहले मैंने इसमें एक टैंक में, इधर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो इधर इसमें जो है कि पत्ते ज़्यादा गिरते थे, तो मैंने जो है कि इसमें लगवाया। हालांकि ये ग्रीन नेट लगवाने से एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो है ना, जो पानी एकदम हरा हो जा रहा था, एल्गी लग रही थी, वो चीज़ जो है कि होना कम हो गया है। मतलब एल्गी जो है कि धीरे धीरे ऑटोमेटिक से रिमूव हो गया, और इसका पानी जो है कि पूरा ब्राउन जो है कि कलर का, लगभग जो है कि ब्राउन तो नहीं होता है, हल्का जो है कि ब्लैक टाइप का, लेके जो है कि फ्लॉक की जैसी कलर होती है, ब्राउनिश हल्का हल्का, लेकिन वैसा हो रहा है। और जो है कि पानी की क्वालिटी जो है कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। आप लोगों को जो दिख रहा है ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन नेट की वजह से दिख रहा है। ठीक है, तो जो लोग हमारे यहाँ आते हैं वो देखते हैं, और फ्लॉक की भी जो है कि कुछ लोग फ्लॉक के लिए भी बोल रहे थे कि फ्लॉक आपके टैंक में कितना है वो नहीं दिखाते हैं, तो फ्लॉक मेजर करके दिखाना है तो बड़ी नॉर्मल बात हो गई यार। फ्लॉक तो कोई भी प्रोबायोटिक डाल दो, फ्लॉक बन ही जाता है। ठीक है, और कोई कोई ऐसा है कि कभी कभी नहीं बनता है। ठीक है, तो फ्लॉक तो बन ही जाता है, और आप लोगों को मैं फ्लॉक जो है कि दिखा देता हूँ हालाँकि कैमरे से, कि फ्लॉक की डेंसिटी कैसी बनी हुई है। तो चलिए जो है कि आगे आपको फ्लॉक भी दिखाते हैं और फिटिंग करके भी आप लोगों को दिखाते हैं, और बैक कैमरे में चलते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि फ्लॉक जो है कि कितना अच्छा खासा डेंसिटी में है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है। ठीक है, मैं फ्लॉक को आप लोगों को, इस पर मैंने एक वीडियो बनाकर दी थी कि फ्लॉक को जो है कि जितना हो सके आप उतना से ज़्यादा कम रखें, आपका फ्लॉक से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपका जो है कि वाटर पैरामीटर अच्छा होना चाहिए, फ्लॉक की डेंसिटी जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा जो है कि मछली का सर्वाइवल रेट अच्छा रहता है। और ये हमारा दूसरा टैंक है, इसमें तो बहुत ही कम फ्लॉक है। ठीक है, लेकिन इसका जो है कि पैरामीटर सभी बहुत मेंटेन है। हालांकि ये वीडियो लंबी हो रही है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है कि पैरामीटर भी चेक करके दिखा देंगे। और इसका पानी दोस्तों, एक ख़ास बात ये है कि इसका पानी जो है अभी तक
करीब एक जब एक महीना का कल्चर हुआ था उस समय हमने जो है कि इसका पानी लगभग एक फीट दोनों का जो है कि चेंजिंग किया था। बाकी आज तक जो है कि इसमें जो है कि पानी का चेंजिंग नहीं हुआ है। बाकी और भी खास बातें हैं इस कल्चर के बारे में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब फीडिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जो है कि एरिएशन को बंद कर दिया गया है, ठीक है, ताकि अच्छे से आप लोगों को दिख सके। और ये मछलियाँ पूरा बेचैन हो रही हैं कि अब जो है कि खाने को मिलने वाला है। चलिए ये साइज आप लोग देख लीजिए कि क्या साइज लगभग जो है कि इन लोगों का हुआ है। ये लगभग जो है कि इसमें 500 ग्राम से प्लस की भी मछलियां हैं और जो है कि 300 ग्राम के आसपास की भी मछलियां हैं। मतलब वेरिएशन तो हो ही गया। अरे बाप रे बाप, तो पूरा कैमरा भिगो देंगे एकदम। यही दिक्कत है, कैमरा लेके जाओ शूट करने के लिए तो पूरा भिगो देते हैं। मेरा मोबाइल पूरा भीग गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यही साइज लगभग जो है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये जो है कि दूसरा टैंक है। इसमें भी आप लोग साइज देख लीजिए। ये तो हमारा चाहे चारा डाले चाहे तो हाथी से पकड़ सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।